हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑन गो। नाउ फ्रेंड्स, आई एम बैक ऑन विद द न्यू वीडियो। एंड फ्रेंड्स, मुझे पता है मैंने कई दिनों से वीडियोस नहीं डाली, नहीं अपलोड की, बिकॉज फ्रेंड्स देयर वर सम इश्यूज़ विद माय हेल्थ। मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, जो अच्छी बात नहीं है। आई नो मैंने अभी नया चैनल बनाया है और अभी तक ना कुछ चला, ना मेरे को किसी का सपोर्ट मिला, और मैंने अभी से ही वीडियोज़ डालनी बंद कर दी, जो बुरी बात है। चलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ पार्ट वन एंड आई विल ऑल्सो कवर दिस चैप्टर इन अदर पार्ट्स एंड विल कवर द होल चैप्टर फास्टली। सो वेलकम गाइज, सो दिस चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड दिस चैनल इज़ स्टडी ऑन गो। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का नाम है। अब फ्रेंड्स, द चेंजेस ओकरिंग इन मैटर आर टू टाइप्स। फ्रेंड्स, मैटर क्या होता है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, मतलब अपने आसपास लगभग हर एक चीज़ मैटर होती है, सारी चीज़ मैटर होती है। तो फ्रेंड्स, अपने आसपास जो मैटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ चेंजेस, हम ये भी कह सकते हैं कि जो चेंजेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब है नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जो फिजिकल चेंज होते हैं ना, उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं ना, उसके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि नहीं होता सब्सटेंस फॉर्म, नो, लेकिन जो केमिकल चेंज है इसके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सो फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब बर्फ़ का पिघलना, और बॉइलिंग ऑफ वाटर मतलब पानी को उबालना। और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर्स, मिल्क का खट्टा हो जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, ये सब हमें पढ़ेंगे अभी। फेरिक ऑक्साइड बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं जो, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब उसका O2 के साथ रिएक्शन हो जाना, रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाना, अभी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है ना, उसके अंदर भी कई सारी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेसेस होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इसके एक अच्छे से टेबल दी हुई है, ये टेबल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से समझाया हुआ है। इधर करेक्टरिस्टिक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज इसके 5 नंबर में आए ना, तो ये 5 के 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वैसे 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं, उसके अंदर बस मेन चीज़ ये ही लिख देना, मेन चीज़ बस ये ही लिख देना, वरना 5 नंबर या फिर 3 नंबर में आएगा तो इसमें से आपको जो पॉइंट ठीक लगे वो लिख देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ चेंज है। तो नेचर ऑफ चेंज है, फिजिकल चेंज है, उसके अंदर नेचर ऑफ चेंज कहते हैं टेम्परेरी, और केमिकल के अंदर क्या होता है, परमानेंट होता है। अब नेचर ऑफ चेंज का मतलब क्या है, एक में टेम्परेरी होता है, एक में परमानेंट होता है, क्या मतलब है इसका। जैसे अब हमें पता है कि टेम्परेरी का मतलब है एक बार के लिए, और परमानेंट का मतलब है हमेशा के लिए। तो फिजिकल चेंज के अंदर जो चेंज होते हैं ना, वो एक बार के लिए होते हैं, मतलब वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं। अब जैसे दूध को आपने कर्ड बना दिया, तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो हमेशा के लिए चेंज हो गया, वो परमानेंट हो चुका है। अब फिजिकल चेंज है, उसके अंदर टेम्परेरी है, इसका मतलब है अगर आपने ना पानी को मेल्ट कर, पानी को वो कर दिया, फ्रीज़ कर दिया, मतलब फ्रीजिंग प्रोसेस कर दी, तो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। लेकिन अगर आइस को आप मेल्ट कर दोगे, वाटर वापस मिल जाएगा, तो मतलब वो क्या है, टेम्परेरी चेंज है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट भी है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फिजिकल, देखो नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी, जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब वो रिवर्स हो सकते हैं, तो दे आर रिवर्सिबल, इट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस, कंडीशंस को रिवर्स करके रिवर्सिबल है, ये रिवर्स हो सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको वाटर आइस का। अब जैसे केमिकल चेंज है परमानेंट, नॉट ईजली रिवर्सिबल, ईजली रिवर्सिबल नहीं होते, वही कि अगर आप दूध को, मतलब मिल्क को, अगर आप कर्ड में चेंज कर देंगे तो वो इतना आसान थोड़ी ना होगा करना, ठीक है फ्रेंड्स, हमसे ये गलती से चला गया। तो अब फ्रेंड्स, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस, ये रिवर्स नहीं हो सकता कंडीशंस को रिवर्स करके, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, पहले दो पॉइंट हम कर चुके हैं, नेक्स्ट इन, सॉरी फ्रेंड्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, मतलब अनचेंज रहता है, मतलब अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता, ओके। तो जैसे पहले जो था ना, वैसे का वैसे रहता है। अब जैसे मान लो कि हमने है ना वाटर को है ना आइस में चेंज कर दिया, अब अगर वाटर को आइस में चेंज कर दिया तो क्या होएगा, उसका केमिकल तो ना कंपोजिशन सेम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो अनचेंज रहता है, क्योंकि H2O का तो H2O रहेगा, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पता ही है, 9th क्लास में पढ़ के आया है।
अब नेक्स्ट केमिकल चेंज है, अब जैसे मान लो कि H2+O2 गिव्स H2, और H2 इज वाटर वी नो। ओके सो ये देने लग रहा है, क्या दे रहा है, H2+O2 गिव्स H2। अब जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन है ना वो चेंज हो गया, H2 क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है ना H2O2 मिल गया, और नए वाले में अलग ही कंपोजिशन है, मतलब H2 है और O है, तो इसका मतलब ये चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द चेंज, तो प्रोडक्ट ऑफ द चेंज कैसे हैं, नो केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब जो मतलब केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एटलीस्ट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस आर फॉर्म, टू और मोर सब्सटेंसेज। अब जैसे मैंने इसके अंदर मैंने बताया था आइस और वाटर वाला, वो तो बार बार ही मैं बोलने लग रहा हूँ, तो वो एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर क्या है, एटलीस्ट वन और मोर, वन या से उससे ज़्यादा होते हैं। अब आप कोई भी रिएक्शन देख लो, उसके अंदर प्रोडक्ट साइड से वन या फिर उससे ज़्यादा होते हैं ना, तो इसका मतलब वो है कि केमिकल चेंज ही होता है, वैसे सारे रिएक्शन केमिकल चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन प्रॉपर्टीज, हम फर्स्ट कर चुके हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चेंज इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या तो फिजिकल होती है या फिर क्या होती है, केमिकल होती है। फिजिकल किस में होगी, फिजिकल चेंज में, केमिकल किस में होगी, केमिकल चेंज में, सीधी सी बात है, द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। अब जैसे बोल रहा है वो बर्फ में चेंज हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, लिक्विड टू वाटर बन गया, क्या बन गया, लिक्विड टू सॉलिड बन गया, लिक्विड टू सॉलिड बन गया है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। अब नेक्स्ट इज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। अब फ्रेंड्स आपने रिएक्शन के अंदर PPT फॉर्म देखा ही होगा, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, तो उसकी मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती है, केमिकल भी चेंज होती है। अब फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, ऐसे इतने आराम आराम से पढ़ेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। अब ये सब आप एक बार देख लीजिए, देखिए ये स्क्रीन थी अपने, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन। नाउ फ्रेंड्स व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है क्या, द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज करते हैं ना, केमिकल चेंज इन्वॉल्व करते हैं उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली डेफिनेशन है, इसका तो क्या ही समझाना है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। अब फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हैं, अब ये केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। चलो फ्रेंड्स आपको एक और देता हूँ डेफिनेशन, कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर मेड, बॉन्ड्स आर ब्रोकन बिटवीन द रिएक्टेंट साइड एंड न्यू बॉन्ड्स आर मेड इन बिटवीन द प्रोडक्ट साइड्स। अब फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर से बताता हूँ, मान लो कि ए और बी अच्छे दोस्त हैं प्लस सी, फिर एक दोस्त आ गया, एक और आ गया सी। अब क्या होगा कि जो ए और बी के बीच में पक्का बॉन्ड है ना, दोस्ती वाला बॉन्ड, और एक सी आ गया ना, उस सी ने बी के साथ ए से भी अच्छा बॉन्ड बना लिया, मतलब वो सी और बी ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए, तो अब क्या आएगा, बी और सी एक साथ आ जाएगा और जो ए है उसको ये छोड़ देंगे, ए के साथ उनका बॉन्ड टूट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, पहले बॉन्ड ए और बी के थे और सी का नहीं था, अब सी ने बी के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये बन गया, और जो ए है वो साइड में रह गया, उसका बॉन्ड टूट गया बी के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ इन विच बॉन्ड्स आर ब्रेकन एट द रिएक्टेंट साइड एंड न्यू बॉन्ड्स आर मेड एट द प्रोडक्ट साइड। ओके फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये भी बहुत अच्छी है, आपको फ्लैश होकर स्क्रीन पे आ जाएगी। अब फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, कंपोनेंट वन, जैसे मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि ए, कंपोनेंट टू मैंने फॉर एग्जांपल कहा था सी, और बी और न्यू सब्सटेंस ए बी, ये न्यू सब्सटेंस बन गया, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, मतलब ये पूरी साइड क्या है, रिएक्टेंट है। जैसे H2+O2 गिव्स H2O, तो ये जो साइड है ये क्या है रिएक्टेंट है, और ये क्या है प्रोडक्ट है। और जो इनके बीच में एरो है ना, ये एरो, इसको क्या कहेंगे, एरो हेड कहेंगे, इसको हम एरो हेड कहते हैं, ठीक है। थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, नो डैट, बट ओके, ये काम चलाऊ है। इसको क्या कहते हैं, एरो हेड कहते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। मैंने रिएक्टेंट क्या होते हैं, दिस सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एक जैसे है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कंपोनेंट वन और टू के बीच में एक रिएक्शन होती है जो केमिकल ही होती है, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के जो बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उसके अंदर इसके अंदर जो सब्सटेंसेज है ना, वो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट साइड होती है। और ये कौन सी होती है, ये RHS होती है, मतलब राइट हैंड साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। ओके, सो अब प्रोडक्ट्स के बारे में, और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट। अब जैसे ये है, ये एक न्यू सब्सटेंस आया है ना, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये है ना ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ था ना, केमिकल रिएक्शन हुआ था, उसका क्या है, रिजल्ट है, ठीक है, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, सो अब क्या करना है अपने को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। है बहुत ही अच्छा डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स, द इजली ऑब्जर्वेबल चेंजेस विच टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द इजली ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल मतलब जो ऑब्जर्व हो सके, और वो भी क्या, ईजली। अब जैसे एक रिएक्शन होती है, उसके अंदर हम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके अंदर हीट आ रही है, ये हम देखते हैं अभी क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो विच टेक पार्ट इन एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी मैं बताता हूँ। जैसे पहले देखते हैं कि चार करैक्टरिस्टिक्स है कौन कौन से, अब अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का इवोल्यूशन, मतलब गैस का बाहर निकलना, एक बिकर में से जैसे गैस का बाहर निकलना, ये क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। चेंज इन कलर, क्या है, चेंज इन कलर, जैसे कि मान लो ब्लू से ग्रीन कलर हो गया एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन का, ठीक है, चेंज इन कलर। चेंज इन स्टेट, स्टेट का स्टेट में चेंज होना। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था PPT के बारे में, प्रेसिपिटेट बारे में, तो इसका एग्जांपल ले लो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या हुआ, PPT, तो ये प्रेसिपिटेट है PPT। वेट फ्रेंड्स, ठीक है, प्रेसिपिटेट डेट इज़ PPT। हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिया था, गैस का बाहर निकलना, चेंज इन कलर ब्लू टू ग्रीन मान लो, और चेंज इन स्टेट मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है जो एक केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन कर ली हमने किसी भी दो उसकी सब्सटेंस की, तो उसमें है ना इधर नीचे थोड़े से इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस रह जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो, पानी के सॉल्यूशन में, तो इनसोल्यूबल ये क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, मतलब क्या होंगे, PPT। और इसका साइन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और जब वेपर्स निकलते हैं तब ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या हुआ, स्टेट का एग्जांपल। अब नेक्स्ट इन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम या फिर ज़्यादा हो जाता है, इसके भी दो होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और ये भी हम अभी पढ़ेंगे, इनको अभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक्सो, एक एंडो, मतलब जब ज़्यादा हीट, और ये क्या होती है, कम हीट, ठीक है। तो मतलब हाई हीट वो होती है बाहर निकलती है, और ये क्या होती है, हीट कंज्यूम होती है, ठीक है। तो ये एक्सो एंडो होते हैं, ठीक है। तो अभी है ना इवोल्यूशन ऑफ गैस ये सब कर चुके हैं। अब जैसे चेंज इन कलर, जैसे आपको होता है सिल्वर का टार्निश, सिल्वर टार्निशिंग, मतलब सिल्वर है ना वो ब्लैक कलर का हो जाता है रिएक्शन थोड़े टाइम बाद, तो वो किसी ना किसी रिएक्शन के कारण है ना ब्लैक कलर का हो जाता है, तो उसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, तो क्या हुआ, इवोल्यूशन होगी उसको, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। चेंज इन स्टेट, स्टेट मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल वेपर्स फॉर्म होना, फॉर एग्जांपल PPT फॉर्म होना, और स्टेट वैसे भी चेंज हो सकता है। और चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों को हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इज, अब हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं अभी क्या पढ़ेंगे। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, अब फ्रेंड्स व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है, एनी वन और मोर ऑफ द अबव चेंजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व। अभी हमने जो चार करैक्टरिस्टिक्स देखे, जब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है, इन चारों में से कोई ना कोई एक या से एक से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स
ऑब्जर्व किए जाते हैं, इनमें से एक या फिर एक से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा है। जैसे अभी पीपीटी है, पीपीटी भी फॉर्म हो सकते हैं, हीट भी निकल सकती है, और वरना साथ साथ में एक कोई गैस भी निकल सकती है, वेपर्स भी निकल सकते हैं, मतलब कोई गैस निकल सकती है जैसे कि हाइड्रोजन एच मान लो, कुछ कितने भी हो सकते हैं एक साथ, वरना एक भी हो सकते हैं, ओनली पीपीटी भी बन सकते हैं। केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज। अब एक केमिकल चेंज हुआ, हाइड्रोजन द शॉर्ट हैंड मेथड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड ब्लाह, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। नहीं, ये तो चलो मैंने फिर भी अभी वर्ल्ड इक्वेशन में लिख दिया, ये देखो वर्ल्ड इक्वेशन, लेकिन मैं ये भी लिख सकता था हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, है ना, ये कितना बड़ा हो जाता ना। इससे अच्छा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, तो क्या हुआ एक वर्ल्ड इक्वेशन हुआ, मतलब इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन क्या कर दी, छोटी कर दी। और अब ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो इनका है ना, इनका कोई सिंबलिक नाम निकाल देंगे, जैसे एच हाइड्रोजन है, इसको क्या कहते हैं, एच प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ। अब फ्रेंड्स आप ही बताओ ये बड़ा है, ये बड़ा है, या फिर हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, ये बड़ा है, कौन सा हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, ये बड़ा है ना, मतलब ये तो बहुत छोटा हो गया ना, बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, याद करने के लिए भी ईजी हो गया। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल इक्वेशन और ये क्या हो गया, एक वर्ल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि एक केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल चेंज, एक एक्चुअल चेंज हुआ उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो एच और ये ओ, ये ओ एच टू है ना, ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। दी शॉर्ट हैंडेड दूसरी डेफिनेशन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मुला इन द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल ईजी है, इतना समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है वैसे भी। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट इन द टू डिफरेंट वेज, ये मैं अभी बता चुका हूँ, वर्ल्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं इधर। स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को लिखने का क्या क्या स्टेप्स है, ये अभी थोड़ा सा तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, बीच में एक एरो हेड होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ये क्या होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं, मैंने बताया था। तो इसने कहा कि सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन, मतलब उनके बीच में क्या होता है, प्लस होता है, नॉर्मली बात है, बिटवीन देम, उनके बीच में, जैसे एच का और ओ के बीच में क्या है, एक प्लस साइन है, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, देखो इधर क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, एक एरो साइन होता है, ये क्या है, एक एरो साइन है। अब सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर विद प्लस साइन इन बिटवीन देम, अब इधर भी कुछ और भी निकल सकता है, मान लो वैसे निकलता नहीं है, हीट निकल गया हो तो ये क्या होगा, प्लस में आएगा, ये वैसे बता दिया मैंने, कुछ भी मान लो है तो ठीक है। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस क्या होते हैं, अनबैलेंस कौन से होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सॉरी फ्रेंड्स, अब यार क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है। तो अब जैसे इक्वेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, अब जैसे इसके अंदर H2O2 तो मतलब इक्वल होने चाहिए। अब नंबर ऑफ एटम्स मतलब n एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एज द प्रोडक्ट साइड, ये कौन सी है प्रोडक्ट है, ये कौन सी है रिएक्टेंट है, तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो सेम होने चाहिए, इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तब जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो H2 plus O2 इज गिव्स 2H2O। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो H है इसके कितने एटम्स है, इधर 2 है, इधर एटम्स कितने हैं इसके 2 है, क्योंकि देखो इधर H2 है, और ये O है इसके इधर एटम्स कितने हैं 2 है, और इसमें H के इधर एटम्स कितने हैं,
इधर भी एच के आइटम्स कितने हैं, 2 × 2। अब देखो पहले इधर 2 तो है, 2 तो लिख देंगे, उसके बाद इधर एक और 2 लगा, इसको एक बार छोड़ो ठीक है, इधर 2 है और इसके एच के ओके कितने, इधर 1 है, ये याद रखोगे, इसके 2 है, 2 है, ओके कितने हैं 2 और इसके कितने हैं 1 है ठीक है। तो अब हम एक टेबल बना सकते हैं, टेबल बनाते हैं, इधर लिख देता हूँ एच, इधर लिख देता हूँ ओ, और इधर लिख देता हूँ आर, इधर लिख देता हूँ पी, मतलब आर साइड, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट साइड, इधर क्या हो गया सब्सटेंसेस वगैरह हो गया ठीक है। तो एच के इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, ओके कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, तो ये अनबैलेंस है क्योंकि देखो इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 1, मतलब नंबर्स ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। तो अब ओके इधर 2 है, ओके इधर 1 है, अब इसको 2 करने के लिए इधर मल्टीप्लाई में 2 लगा सकते हैं ठीक है, तो एच टू ओ के आगे क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ 2 होएगा तो एच टू के साथ भी 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, तो अब ये अनबैलेंस हो गया। तो अब एच के साथ 2 लगा दे इधर, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ये मैंने गलती से आपको बैलेंसिंग बता दी, मैं तो सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था, या अभी हम स्टेप्स के साथ अच्छे से समझेंगे, बस आप ये तो समझ गए होंगे ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ठीक है। तो इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे आर रिएक्टेंट्स गिविंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट्स, ये सब छोड़ो, ये सब बस ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें जिंक है, इसमें जिंक, और प्लस में H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन, इधर क्या है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइज आर इक्वल, इसके अंदर ZN कितना है 1 है, इधर भी 1 है, इधर SO4, इधर SO4, इधर H2, इधर H2, मतलब सारे आइटम्स क्या है सेम है। नोट करना है ठीक है, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द कंजर्वी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि किसके ऊपर किसका किस क्या क्या सेटिस्फाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम तो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं पक्का जवाब दूंगा ठीक है। अब नंबर ऑफ जेड एन एटम्स, नंबर ऑफ एच एटम्स, नंबर ऑफ एस एटम्स, ये तो इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम पीछे देख चुके हैं ठीक है। तो ये हमें टेबल बनानी आती है कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, और ये इसको लिख देते हैं एटम्स, ये वगैरह 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 वगैरह, आप ओनली जेड एन एच एस ओ ये भी लिख सकते हैं ठीक है। तो इसमें इसके नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए, और ये क्या हो गया 1 1 2 2 1 1 4 4, मतलब बैलेंस्ड है ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रेंड्स आपको पता है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को है ना स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं ठीक है। तो द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन, फ्रेंड्स नॉर्मल है, बैलेंस के अंदर एटम्स इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, अनबैलेंस के अंदर नॉन इक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन में ठीक है। तो इसके अंदर क्या है आर नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटन इक्वेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल Mg प्लस H2O, MgOH मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट ईच टाइप ऑफ एटम, Mg 1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितने 1 है, O कितने है, अब देख सकते हैं इधर Mg 1 है, O भी कितने है इधर 1 है, और H कितने है इधर 2 है ठीक है। अब इधर Mg है, Mg इधर कितने है 1 है, और इधर OH2, अब देखो इसमें इधर देखो जो O है ना इसके बाहर 2 है ना, तो ये O और 2 2 माना जाएगा, और जैसे इधर H है, इधर एक H के है 2 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 2 है ना दोनों के साथ आ जाएगा इंडिविजुअली, और इधर एक और H है जिसके साथ क्या है 2 है, तो 2 + 2 = 4 हो जाएंगे, ऐसे आपको गिनना है ऐसे आपको ठीक है। तो इधर क्या आएगा 4, एच एंड ओ आर अनबैलेंस, एच और ओ अनबैलेंस है, तो दिस इज़ अ अनबैलेंस रिएक्शन है। आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, आपको एक डायग्राम के जरिए बताया गया है
जो इसमें है, इसमें Cl2 और H2 है, देखो Cl2 और H2 है, और HCl, इधर दोनों के एक एक एटम है, इधर दोनों के दो दो एटम है, तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस हुआ। ये देखो अनबैलेंस है, इस साइड बोझ ज़्यादा है H2 + Cl2, इधर ज़्यादा एटम्स है, देखना कितना ज़्यादा वो है, एक्स्ट्रा बोझ है, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड है। ये बैलेंस है देखो, इसमें इधर टू है, इधर टू है, और इधर भी इसके साथ टू लगा दिया, आप ये देख सकते हैं, इसके साथ क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो ये क्या बन गया, HCl बन गया, जो हो गया बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं इधर ये बैलेंस्ड है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस्ड, वाह, ठीक है, मज़ा आने लगा। तो ये आप बॉक्सेस बना के देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टेप्स। टू शो हाउ टू बैलेंस द केमिक द इक्वेशन, द फ्लोइंग इक्वेशन इज यूज, सॉरी क्या हो रहा है, द फ्लोइंग, इधर इक्वेशन नहीं आएगा, इधर आएगा स्टेप्स, द फ्लोइंग स्टेप्स आर यूज्ड, ऐसे आएगा। तो इधर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर से मान लो, ये क्या हो गया, एक एग्जांपल के तौर से मान लो इसको बैलेंस करना है, Fe+H2O, Fe3 और H2, मतलब आयरन रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, सो स्टेप वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द बॉक्सेस ऑफ ईच फॉर्मूला एज शोन बिलो। अब जैसे है ना, Fe है, इसके साइड में बॉक्स बना दो, H2 है, इसके साइड में बॉक्स बना दो, Fe3O4 इसके साइड में बना दो, H2O इसके साइड में बना दिया, ठीक है, सबके साइड में बना दिया, इसने भी ऐसे ही सेम किया हुआ है, बना दिया बॉक्सेस, मैंने भी बना दिया बॉक्सेस। तो अब क्या करना है, स्टेप टू, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो अभी हम एलिमेंट के एक क्लासिफिकेशन करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, चलो फटाफट बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या, Fe है, H है, O है, तो तीन है, तो तीन बना लेते हैं, गंदा सा बना लेते हैं, Fe O H, इधर कितने इसका 1 है, इधर कितने इसके 3 है, इधर कितने एच के 2 है, इधर कितने एच के 2 है, इधर कितने ओ के 1 है, और इधर कितने ओ के, वो वाई 4 है, बहुत ज़्यादा। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये बॉक्सेस के अंदर है ना, बॉक्सेस के अंदर नहीं चेंज कर सकते, बॉक्सेस के बाहर ही एक नंबर लगा सकते हैं। अब जैसे Fe बैलेंस नहीं है, तो Fe के 1 के साथ इंटू में 3 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब जो Fe है इसके बाहर क्या लगा दो, 3 लगा दिया, ठीक है, Fe बैलेंस हो गया। अब O की बारी, O भी बैलेंस नहीं है, तो मतलब O 4 होना चाहिए, तो इधर में इंटू में 4 कर देते हैं, तो इधर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, तो O भी बैलेंस हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। अब O तो बैलेंस हो गया, इधर 4 तो आ गया, लेकिन जो H2 है ना, ये अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी 4 लग जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके आगे भी 4 लगाना होगा, दोनों साइड चेंज कर सकते हैं ना, तो मतलब इधर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। नाउ यू कैन सी दैट द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। चलो इनके स्टेप्स देखते हैं, अभी तो हमने खुद ही नहीं कर दिया, तो इसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये बता दिया सब कुछ, ये हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्ट द बैलेंस, सॉरी फ्रेंड्स, स्टार्ट टू बैलेंस द इक्वेशन विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ओ फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना भूल गया, अब जैसे आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, Fe3O4 है, मेरा मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसके साथ सबसे ज़्यादा एटम्स है, तो Fe3O4 5 5 6 7 सबसे ज़्यादा एटम्स किसके पास है, फेरिक ऑक्साइड के साथ है। तो वाइल बैलेंसिंग डज नॉट आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, तो स्टेप वन बाय वन बैलेंस ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइज। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि जो इक्वेशन जो बैलेंसिंग है ना, उसको इस कंपाउंड से वो करना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले देखिए कि Fe3 अनबैलेंस है, तो इधर 3 लगा दिया बस, Fe4 इधर कोई चेंज मत करना, इधर चेंज कर दिया गड़बड़ हो जाएगी, 4 है तो मतलब ये बैलेंस नहीं है, सीधा इधर 4 लगा दिया, 1 मिनट लगी है, उसके बाद देखा ये अनबैलेंस हो गया, इधर 4 लगा दिया, 1 मिनट लगी, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगे कि ये छोटा सा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब स्टेप 5 इज़ आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। कुछ नहीं करना, आपने टेबल बना रखी थी या फिर टेबल ना भी बनाओ, अपना एक बार काउंट करके देख लो कि भाई सब कुछ करेक्ट है, होगी आपकी बैलेंसिंग पूरी। अब ये बताओ यार, इस बैलेंसिंग के अंदर कोई हार्ड चीज़ थी क्या। नाउ लास्ट स्टेप इज स्टेप 6, देन राइट द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ओहो, अब एक और नई चीज़ आ चुकी है, टू राइट द सिंबल्स, मतलब उसके बाद है ना, सिंबल्स को राइट करो, देन राइट द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट
एज शोन बिलो। दो स्टेप सिक्स ये है कि मतलब उनके सिंबल्स भी लिखने चाहिए फिजिकल स्टेट के। अब फ्रेंड्स दो मिनट इसके नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ आपको, इसके बाद बताता हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब है फिजिकल स्टेट्स है, ये फिजिकल स्टेट्स, ये मैंने थोड़ा पहले ही लिख रखा है आप देख सकते हैं है? तो सबसे पहले क्या ये सॉलिड है, फर्स्ट वन इज सॉलिड। अब सॉलिड को है ना रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, एस की होती है। फॉर एग्जांपल सल्फर कॉपर, अब हम सल्फर और कॉपर को किसी भी रिएक्शन में लिखेंगे एस प्लस ओ टू गिव्स एस ओ टू। तो अब हम इधर मेंशन कर सकते हैं कि भाई जो एस है ना वो सॉलिड फॉर्म में है, उसके साथ एस लिख के, ठीक है। तो ये क्या हुआ सॉलिड। नेक्स्ट इज लिक्विड, लिक्विड में भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जैसे अब ब्रोमीन है, मरकरी है, वाटर है। अब वाटर तो हमें पता ही है लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन भी एक है लिक्विड फॉर्म में होता है। जो मरकरी है ना वो भी एक मेटल है लेकिन वो किस में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मरकरी हमें पता ही है कि जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मेरे ख्याल से ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, आप ऐसे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, ये मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज़ गैस, गैस तो मतलब लिक्विड को क्या कर लेंगे एल से लिख देंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे ब्रैकेट में एल लगा देंगे। अब गैस इज एट रूम टेम्परेचर एलिमेंट्स हाइड्रोजन, मतलब गैस इज एट रूम टेम्परेचर कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन क्लोरिन अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अपने को पता ही है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ दे रखी है एंड बहुत ही ईजी चीज़ भी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज एक्वेस, एक्वेस थोड़ा ज़रूरी है, तीन तो नॉर्मल ही बात है यार, एस एल जी बस, एस एल जी बस, ठीक है। अब आता है एक्वेस, एक्वेस के अंदर क्या होता है, एक्वेस की सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक ही होती है, इसकी पहला अक्षर इसका पहला अक्षर इसका पहला अक्षर इसके पहले दो अक्षर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा एक यू मान लो, ठीक है। अब ए सॉलिड डिजोल्व्ड इन वाटर एसिड्स आर ऑलवेज एक्वेस, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक सॉलिड होता है ना वो जब वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं ना उसको एक्वेस सॉल्यूशन कहते हैं। अब जैसे हम किसी की भी वो करते हैं, अब जैसे हमारे पास सोडियम है, हम सोडियम की रिएक्शन करते हैं ना, तो मोस्टली हम जो रिएक्शंस हैं ना उनको है ना एक्वेस सॉल्यूशन में कर लेते हैं ताकि वो जो रिएक्शन है ना बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। अब जैसे ये है, इसके अंदर वाटर डाल के इसके अंदर कोई सॉलिड डाल देते हैं जिससे वो सॉल्यूशन को घोल बना के क्या बन जाता है, एक एक्वेस सॉल्यूशन बन जाता है, एक एक्वेस सॉल्यूशन क्या तैयार हो जाता है। अब जैसे फ्रेंड्स अब HCl यूज़ करते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक तरफ से सॉलिड ही है, वो एक एसिड है सॉलिड ही है, लेकिन है ना उसको हम एक्वेस सॉल्यूशन में डाल के यूज़ करते हैं ना, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं उसे, क्योंकि इसलिए उसके आगे हम एक यू लिख सकते हैं, वो एक्वेस सॉल्यूशन में होते हैं। तो इसलिए इधर दे रखा है कि ये सॉलिड डिजोल्व इन वाटर एंड एसिड्स आर ऑलवेज एक्वेस, कौन से एसिड्स, एसिड्स हमेशा ही एक्वेस सॉल्यूशन होते हैं। तो HCl वैसे हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, वो हमें बायो में पढ़ना है, तो लेकिन वो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे थे तो उसकी अलग बात है, ठीक है। तो अभी ये सिक्स पॉइंट आप समझ ही गए होंगे, देन राइट द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड शोन बिलो। फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिए, इसके अंदर जो Fe है वो S मतलब सॉलिड से यूज़ किया गया है, जो हाइड्रोजन है वो G मतलब गैसेस फॉर्म में यूज़ किया गया है। वैसे देखो हाइड्रोजन वाटर, अब वाटर ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में यूज़ करें, हम इसे गैसेस में भी कर सकते हैं, मतलब हम इसे स्टीम में भी यूज़ कर सकते हैं। इधर गैसेस का मतलब क्या है, स्टीम, स्टीम में, ठीक है। इधर Fe मतलब आयरन, आयरन तो सॉलिड ही होता है, जो ये फेरिक ऑक्साइड वो हुआ है ना ऑब्टेन, ये भी क्या हुआ है सॉलिड ऑब्टेन हुआ है, और जो 4H2 मतलब गैस हुई है ना, गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। सो फ्रेंड्स ये वही आ गया फिर से, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर एस फ्लोज, या पढ़ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वैसे फालतू की थी, वो हमारी बुक्स की थी, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसलिए है ताकि जैसे अभी है ना आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर एग्जांपल देखिए, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद ये टू फॉर्म ये एंड ये, ठीक है। तो ऐसे जब वो आते हैं ना, ऐसी सिचुएशन आती है, तब हम इन स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। राइट द इक्वेशन इन द वर्ड फॉर्म, सबसे पहले उसे वर्ड फॉर्म में लिखो, जैसे इधर लिख रखा है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है है, और उनके बीच में एक एरो साइन होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड, या हमें सबको पता है। राइट द सिंबल्स ऑफ एंड द फॉर्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स। अब देखो सबसे पहले सिंबल लिख दिया कॉपर सल्फेट CuSO4, ये लिख दिया
ये लिख दिया, 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 सब लिख दिया। अब राइट द स्केलेटन, इसको स्केलेटन कहते हैं, मतलब अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड लिख दिया एक बार के लिए, एंड इनक्लोज द फॉर्मूला इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस के अंदर इनको इनक्लोज कर दो। अब थर्ड क्या कहता है ये कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अब एटम्स को लिस्ट करो। ये मैंने आपको बताया था इधर पेपर वगैरह में, मतलब कभी भी करो तो इधर ऐसे लाइनें लगा देना, बढ़िया सा आप टेबल बना देना, सुंदर सी बना देना, नंबर मिल जाएंगे वगैरह, तो ऐसे कर देना। तो अब सिलेक्टिंग द बिगेस्ट फॉर्मूला, बिगेस्ट फॉर्मूला किधर है, कौन सा इधर कौन सा है, कौन सा है, Na2SO4 सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स, एंड बैलेंसिंग द एलिमेंट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स कौन से है, ओ है, ओ के कितने हैं, चार है, तो इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। देर आर फाइव एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी है राइट है, ये कौन सी है, ये कौन सी है राइट है, एंड ये कौन सी है लेफ्ट है, है तो देर आर फाइव एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, फाइव है, एंड सिक्स इन RHS, लेकिन ये पाँच है, एक जगह छः है, इनको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मजाक कर रहा हूँ। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई NaOH बाई टू, जो NaOH है ना सबसे पहले जिसको टू से मल्टीप्लाई करना, पता है क्या, इधर जो फाइव है ना ये क्या है, फोर है प्लस में वन है, देखो इधर फोर है इधर वन है, ठीक है, और ये जो सिक्स है ना ये भी इधर क्या है, टू है प्लस में फोर है, इधर टू है देखो और इधर कितना है, फोर है, तो इसमें जो फोर और वन है ना, हम इस वन के साथ टू मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा फोर प्लस टू सिक्स, तो मतलब इधर क्या लगा दो, टू लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं, है तो अब क्या कर दिया, टू लगा दिया, ये देखो टू लगा दिया इन्होंने, बाय डूइंग सो सोडियम एंड हाइड्रोजन गेट आल्सो गेट बैलेंस, ये करने के बाद जो सोडियम और हाइड्रोजन है वो ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो गए, बहुत इजी काम हो चुका है, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस, बस हो गया, करेक्टनेस चेक कर लो, 1166 11116622 22 ले, एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल बी दिस। और अगर आपको इसको और भी अच्छे से दिखाना है पेपर में, और भी अच्छे नंबर लाने हैं, तो अगर आपको पता हो तो इनके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफाइन कर दो। अब वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कई चीज़ों के ना याद करनी जरूरी है, लेकिन कईयों की ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में दीज भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि याद भी करनी पड़ जाए, कुछ की याद करनी पड़ेगी, अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो। एसेंशियल्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, तो एक केमिकल इक्वेशन की क्या एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स मतलब जरूरत, जरूरत आवश्यकता। एक ट्रू केमिकल इक्वेशन देयर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द फ्लोइंग एसेंशियल्स, इन आवश्यकताओं से कि अकॉर्डेंस में होने चाहिए को ध्यान में रखते हुए एक ट्रू केमिकल इक्वेशन बनता है। रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल चेंज, मतलब एक एक्चुअल केमिकल चेंज होना चाहिए। केमिकल चेंज हमें पता है क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी जब चेंज होता है उसे केमिकल चेंज कहते हैं। इट शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। इट शुड बी मोलिकुलर, मोलिकुल्स होने चाहिए, मोलिकुलर होना चाहिए, ये भी नॉर्मल सी बात है, हम नाइन्थ क्लास में सब कुछ पढ़ के आए। तो फ्रेंड्स वाओ, द फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीट फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड फ्रेंड दिस इज़ माई चैनल स्टडी ऑन गॉग ऑन यूट्यूब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई फ्रेंड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू दिस वीडियो, और क्या चाहिए इस वीडियो में, आपको सारी स्लाइड्स एक बार शो अप कर देता हूँ। कुछ नहीं भाई, सॉरी भाई, ये देखो 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 ये देखो, और ये क्या हो गया अपना स्टडी ऑन गो, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में डिमांड कर देना, आई विल श्योरली गिव इट टू यू। वरना मैं इसकी एक लास्ट वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा, जब मैं इसके होल चैप्टर करूंगा, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर किसी की डिमांड होगी तो, अगर उसको नोट्स चाहिए होगी तो। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ वैसे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो सॉरी, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई है एक जंग, जीतेंगे इसे हम, बाय, हैव अ नाइस डे।